यस, 10th क्लास। देखिए, अभी तक अपन ने जो माध्य ज्ञात किया उसमें पहले एक्स थे, फिर उसके बाद एक्स एफ आया। अब अपन क्या करेंगे, सूत्र से माध्य ज्ञात करेंगे। और सूत्र मैंने आप लोगों को कल बताया था, क्या था सूत्र, एम बराबर एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में एच। सब चीजें आपको पता है, एम क्या होता है, माध्यक है, एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन बट एन क्या है, बारंबारताओं का योग, सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच क्या है, माध्यक वर्ग अंतराल। ये था आपका सूत्र, उस पे आधारित आप लोगों के सवाल हैं। प्रश्नावली में जो कठिन सवाल है वो मैं बता रहा हूं, बाकी जो इजी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, वो काफी इजी है, आप लोग आसानी से उनको कर सकते हैं। तो पहले जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, प्राप्तांक दे रखे हैं और उनकी बारंबारता दे रखी है। सबसे पहला काम अपना क्या है, अपने को संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, यानी कि सीए बनानी है। सीए बनाना आपको सिखाया था मैंने। पहले क्या करेंगे, ऊपर की बारंबारता ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर इसमें 6 में 20 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 26। 26 में 44 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 70। 70 में 26 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 96। 96 में 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 99। और 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 100। बस हो गई आपकी संचयी बारंबारता सारणी तैयार, ठीक है। और करने का तरीका आप लोगों को बताया था सवाल, पहले क्या करेंगे, यहां एन बटे दो, एन का मतलब क्या है, जो सी एफ के अंदर लास्ट में आएगा ना उसको लिख दो, 100/2 यानी कितना आ गया, 50, ठीक है। फिर इससे ठीक बड़ी सी एफ, इससे ठीक बड़ी सी एफ देखो कौन सी है, 6 तो छोटा है, 26 भी छोटा है, 70 इससे ठीक बड़ी होगी। अब इसके सामने वाला वर्ग, संबंधित वर्ग, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। संबंधित वर्ग 70 के सामने कौन सा है, 40 से 50, 40 से 50, इसी को क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। इसलिए माध्यक वर्ग हो गया आपके 40 से 50, ठीक है, माध्यक वर्ग निकल गया। जब माध्यक वर्ग निकल गया तो सूत्र में जो भी मान है वो आप लोग लिख सकते हैं। अतः L का मान, L यानी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, देखो ये आप लोगों के 70 के सामने वाला आया, इसको ही आसानी करने के लिए आप लोग इस तरीके से कर लो। तो L का मान तो आ गया 40, N बटे दो आपके पास में कितना आ रहा है, 50। सी एफ इसके ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी आ रही है, 26। फिर एफ, एफ में देखो किसके सामने वाली कितनी है, 44। और एच यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने का, 40 और 50 में 10 का अंतर, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद में सूत्र लिखो, क्या सूत्र होता है, एम बराबर एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा में एच। सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद बराबर का चिन्ह लगाओ, एल का मान कितना है देखो यहां पर 40, प्लस एन बटे दो का मान कितना है 50, माइनस सी एफ कितना है 26, और एफ का मान कितना है 44, और गुणा में एच का मान है 10। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये आया 40 प्लस 50 में 26 गए तो बचे 24 बटे में 44 और गुणा में 10। अब देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं, 4 से, 4 6 24, 4 का भाग दिया तो 11 आ गया, तो ये तो आ गया आपके 40 प्लस 60 बटे में 11। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये आएगा 40 प्लस 60 के अंदर 11 का भाग देंगे तो देखो 11 5 55, कितने बचे, 5 पॉइंट लग गया, 50 हो गए, 11 11 चौक 44, 6 बचे और 11 5 55, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये आपके आ जाएगा 45.45। तो ये आपका हुआ पहला सवाल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक थोड़ा और कठिन सवाल है, उसमें केवल आप लोगों को दशमलव का ध्यान रखना है, उसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं वो सवाल भी क्या है। तो इसका लास्ट सवाल और देखो, लास्ट सवाल में क्या दे रखा है, देखिए
तरीका वही है, उसी तरीके से आप लोगों को इस सवाल को हल करना है, कोई नया तरीका नहीं है। क्या है देखो, इसमें चौथा सवाल है, वर्ग दे रखा है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40 और 40 से 48। ये तो आपके वर्ग दे रखा है। एफ का मान दे रखा है 42, फिर इसके बाद में आपके दे रखा है 30, फिर है 50, फिर इसके बाद में दे रखा है आपके 22, 8 और 5, 22, 8 और 5। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने को सीए बनानी है। तो सीए बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 42 के तो 42 आ जाएंगे, ये कितना आ गया 72, 50 जुड़ेंगे तो 122, 122 में 22 जुड़ेंगे तो 144, 144 में 8 जुड़ेंगे 152, 152 में 5 जुड़ेंगे तो 157। तो सबसे पहले अपन ने सीएफ निकाल ली। अब सीएफ निकालने के बाद में क्या करेंगे, देखो वही तरीका है, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। पहले लिखेंगे यहां n/2, n/2 का मतलब जो लास्ट पद है कितनी है लास्ट में, सीएफ 157 में 2 का भाग दे दो, तो 2 7 14, 2 8 16, 78.5, ये तो आ गया n/2। ये तो क्या निकल गया, n/2 का भाग। अब इससे ठीक बड़ी सीएफ, देखो 78.5 से ठीक बड़ी, 42 छोटा है, 72 छोटा है, 122 आ गया, तो ये आ गया आपके 122, ठीक है ना। अब संबंधित वर्ग 122 के सामने कौन सा वर्ग है, 16 से 24, यही क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। इसलिए माध्यक वर्ग ये आपके आ गया 16 से 24। तो 16 से 24 ये इस तरीके से कर लीजिए आप लोग, इससे आपको ध्यान हो जाएगा। माध्यक वर्ग निकल गया, सबसे पहला काम अपना यही है माध्यक वर्ग निकालना है। अब लिखो मान, अतः एल का मान, एल देखो कितना है यहां पर, यहां देखिए 16 से 24 है, तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 16, ठीक है। n/2 अभी अपन ने निकाल ही दिया, कितना आया 78.5। सी एफ उसके पहले वाली कितनी है 72, एफ उसके सामने वाली कितनी है 50। एफ का मतलब एफ में देखो, सी एफ का मतलब सी एफ में देखो, लेकिन सी एफ ऊपर वाली और एफ सामने वाली, और एच एच यानी वर्ग अंतराल कितने का है, 8 का, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई अपने पास। अब लगाओ सूत्र, क्योंकि मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, एम एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसके अंदर मान रख दो, एल का मान देखिए कितना है 16, प्लस n/2 का मान ऊपर है 78.5, माइनस सी एफ का मान कितना है 72, सी एफ का मान 72 बटे एफ, एफ का मान है 50, और गुणा एच का मान आप लोगों के दे रखा है कितना, 8। अब ये तो आ गया आपके 16, प्लस देखो 78.5 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6.5 बटे में 50 और गुणा में 8। अब कई बच्चों को दशमलव के गुणा करने में दिक्कत आती है, तो पहले सबसे पहले दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगी, एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो नीचे हो गए 500। अब ये दोनों संख्या 5 से कट रही है, 5 का भाग दो, 5 एक 5, 5 3 15 और 5 का इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 100। अब देखो क्या रह गया, इधर तो रह गया 16, ये तो रह गया 16, प्लस 13 को 8 से गुणा करो, 13 8 104 और बटे में 100। अब देखो नीचे 2 जीरो आ गई, एक के आगे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इधर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये आपके आ जाएगा बराबर 16 प्लस 1.04, और 16 में 1.04 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17.04।
तो इस तरीके से आप लोगों का सवाल कंप्लीट होते हैं, प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई, तो 17.7 आप लोग आसानी से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, परीक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, अच्छे नंबर की है और आते हैं इसमें से क्वेश्चन, इसलिए विशेष तौर पे वह दो ही क्वेश्चन छोड़े हैं, दो आप लोग करके देखना, फिर भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। धन्यवाद, कल आपको नया टॉपिक बताएंगे।